ये अवार्ड आई थिंक शायद मुझे इसलिए दिया गया क्योंकि मैंने बहुत सारे लोकेशंस में शूट किया, उनको शोकेस किया अपने फिल्मों में, तो आई थिंक उसके रिकग्निशन के लिए अवार्ड दिया है. मैं इसके बारे में बहुत खुश हूँ क्योंकि लोकेशंस मेरे लिए हमेशा बहुत स्पेशल रहे हैं. मेरी फिल्म में वो सिर्फ बैकड्रॉप्स नहीं है, कैरेक्टर्स की तरह रहे हैं. सो आई एक्सेप्ट दिस वेरी हम्बली एंड हैप्पीली. ओके कबीर सर, अगर बात करी जाएगा लोकेशंस की, ऐसी कौन सी लोकेशन है जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा शूट करना पसंद हो और कोई ऐसी जगह जहाँ पे आप शूट करना चाहते हो? देखिए, मैं एक्चुअली 75 से ज़्यादा लोकेशंस पे ट्रैवल कर चुका हूँ, शूट कर चुका हूँ अपने डॉक्यूमेंट्रीज़ के लिए, अपने फीचर फिल्म्स के लिए. तो बहुत मुश्किल होगा एक चुनना, और कभी कभी ऐसे लोकेशंस के साथ एक स्पेशल कनेक्शन बन जाता है जहाँ हो सकता है कि शूटिंग आसान ना हो, जैसे अफ़गानिस्तान जहाँ पर मेरी पहली फिल्म थी. हो सकता है वो लोकेशन ऐसी ना हो जहाँ पर आप अब ज़्यादा शूट कर सकते हैं सिक्योरिटी की वजह से, लेकिन क्योंकि वो मेरी पहली फिल्म थी, मेरा हमेशा एक स्पेशल कनेक्शन रहेगा अफगानिस्तान से. उसके अलावा मैं डॉक्यूमेंट्रीज़ के लिए मैं टिबेट में शूट कर चुका हूँ बहुत टाइम के लिए, जो मेरे लिए बहुत स्पेशल था. बर्मा में शूट कर चुका हूँ, एंड ऑफकोर्स उसके अलावा जो नॉर्मल आपके न्यूयॉर्क, लंदन एंड पेरिस, ये सब जगहें हैं. आई थिंक दुनिया में इतने लोकेशन. ओके सर, इसी के साथ जिस तरीके से आपने कहा कि मतलब बहुत सारे लोकेशन के बारे में आपने बताया, 83 को लेकर हम सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या स्टेटस है सर 83 का? स्टेटस अभी ट्रेनिंग का चल रहा है. रणवीर सिंह के गली बॉय के रिलीज़ के बाद अभी फुल ट्रेनिंग शुरू हो गई है. वैसे जो टीम है वो पिछले 4-5 महीने से वैसे भी ट्रेन कर रही है, लेकिन अब फुल स्विंग है क्योंकि मई से हमारी शूटिंग शुरू होगी. शूटिंग 4 महीने के लिए पूरी इंग्लैंड में होगी क्योंकि 1983 वर्ल्ड कप पूरा का पूरा इंग्लैंड में हुआ था. तो अभी स्टेटस यही है कि फुल ऑन ट्रेनिंग चल रही है क्रिकेट की, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग. ओके सर, इसी के साथ में बहुत लंबी कास्ट है, क्या कहना चाहेंगे, कौन कौन नजर आने वाला है कास्टिंग को लेकर? तो कास्ट जो हमने अभी तक जो अनाउंस करी, सारी सब अनाउंस नहीं करें, लेकिन जो अनाउंस करें उनके बारे में बात कर सकता हूँ. रणवीर सिंह है जो कपिल देव प्ले कर रहे हैं, फिर उसके अलावा पंकज त्रिपाठी हैं जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट और एक बहुत इंटरेस्टिंग रोल है मैनेजर का. जो एक्चुअली क्या है कि प्लेयर्स के बारे हम लोग तब भी जानते हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट रोल मैनेजर पीआर मानसिंह ने प्ले किया था इस पूरी कहानी में, वो लोग नहीं जानते हैं. वो बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, और वो पंकज त्रिपाठी जो मेरे फेवरेट एक्टर हैं इंडस्ट्री के, वो प्ले कर रहे हैं. उसके अलावा साकिब सालिम हैं, हाडी सांधू हैं जो बहुत वेल नोन पॉप स्टार हैं पंजाब में, फिर एमी विर्क हैं जो बहुत बड़े स्टार हैं पंजाब के, वो बलविंदर सिंह सांधू का रोल प्ले कर रहे हैं. जीवा हैं तमिल स्टार, वो श्रीकांत का रोल अदा कर रहे हैं. उसके अलावा चिराग पाटिल हैं जो संदीप पाटिल के बेटे हैं और मराठी सिनेमा में एक्टिंग कर चुके हैं और क्रिकेट भी बहुत अच्छी खेलते हैं, वो अपने पिताजी संदीप पाटिल की का रोल अदा कर रहे हैं. तो ऐसे काफ़ी हैं, धीरे धीरे हम लोग अनाउंस करेंगे और एक बाद में एक स्पेशल कैमियो वगैरह, स्पेशल अपीयरेंसेस के भी जो अनाउंसमेंट होंगे वो भी बाद में हम करेंगे. गली बॉय की बात की आपने, गली बॉय देखी? जी जी जी, देखी है, बहुत बढ़िया लगी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, बहुत अच्छी कहानी है. जोया वैसे भी मेरी एक फेवरेट फिल्म मेकर हैं, और थिंक गली बॉय के साथ तो उन्होंने शी इज एक्सीडेड हर सेल्फ. ये प्लेटफॉर्म पे नहीं, गलत पर, मैंने इसलिए शुरू करने से पहले बोला था ये प्लेटफॉर्म पे नहीं, वो दे चुके हैं हम, ये प्लेटफॉर्म पे नहीं. समाप्ति, पूरा नाम समाप्ति पात्रा. समाप्ति पात्रा, हाँ जी, हाँ. ओके सो ये फर्स्ट टाइम मैंने ये अवार्ड कहाँ वे हैव टू यो, मैं आपको देख के नहीं बात कर सकती क्यों? वो वहाँ वाले फिल्म को लुक नहीं मिलेगा ना, वहाँ वाले को फिल्म. ओके सो मैं फर्स्ट टाइम ये इवेंट अटेंड कर रही हूँ, एंड आई थिंक ये टूरिज्म अवार्ड जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है डायरेक्टर्स के लिए. लाइक जो मैं अपनी फर्स्ट फिल्म जो मैंने डेब्यू की है द पिकअप आर्टिस्ट, उसमें आई हैव बीन असिस्टेंट डायरेक्टर ऑल्सो, सो आई नो कितना इंपॉर्टेंट होता है लोकेशन फॉर द डायरेक्टर्स एंड फॉर द प्रोडक्शन. सो फॉर दिस, ये जो इवेंट ये ऑर्गेनाइज कर रहे, इट्स वेरी वेरी आई थिंक इम्पॉर्टेंट फॉर द डायरेक्टर्स, और इस इंडस्ट्री के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ही हमें बहुत ज़रूरत है लोकेशंस की, फॉर नॉट ओनली इंडिया, अब्रॉड एज वेल. सो येस, इट्स अ वेरी वेरी आई थिंक impeccable hai for this industry. Thank you so much. Tell us something about your coming projects. Okay, so for my film, okay, I have done a film, it's called The Pickup Artist,
So film has already officially selected in East and Northeast New York Film Festival and Dada Saheb Film Festival. So probably we'll release the movie in this year. So let's see, Abhi, hopefully, Abhi, releasing date is not coming out. We are doing the promotions. We'll start the promotion in this month only. And the movie name is The Pickup Artist, so please remember. You're an AD. I've been an actor and assistant director. I've been a lot of things. I've done the production as well. I've done a lot of things because it's an independent film, so we had to do it. Thank you so much. See, this is the first thing I am experiencing, and I feel this is amazing for every country to inspire and have a great business worldwide. India can do anything, that's why. Yeah, so सीक्रेट गेम के बाद अब क्या हो रहा, क्या कर रहा है? सीक्रेट गेम के बाद आई एम डूइंग नवदीप सिंह फीचर फिल्म एंड अनदर फीचर फिल्म व्हिच इज अनुज गुलाटी'स विंग मैन, दैट्स ऑल. अगला पार्ट जो भी आएगा सीक्रेट गेम का, नो आई एम नॉट देयर. नोबडी, आई थिंक प्रोबेबली मोस्ट ऑफ देम आर नॉट देयर हु इज इन पार्ट सीजन 1. सीक्रेट गेम जो जो कुछ दिखाएगा था, लगता कि ये ठीक ठीक था ऑडियंस के लिए गाइस? बिकॉज इट्स द सोसाइटी एंड सोसाइटी को जो समझते हैं हम लोग वही दिखाते हैं. दैट्स वॉट आर आर्टिस्ट वर्क एंड ही हैड डन एंड आई मीन विक्रमादित्य मोटवानी एंड अनुराग सर हैज डन द सेम थिंग. आई एम प्राउड ऑफ दैट. तो वेब सीरीज आने से खुलापन ज़्यादा नहीं होगा लगता नहीं आपको? या ऑफकोर्स देर इज एंड दैट शुड बी. बहुत पहले होना था, अभी बहुत देर हो गया और हो रहा है. आई एम सो हैप्पी ऑफ इट. सेंसर बोर्ड नहीं, इसका फायदा है? सेंसर बोर्ड उसमें नहीं है, इसलिए फ़ायदा है बिकॉज वी कैन एक्चुअली स्पीक द ट्रूथ द वे इट इज़ एंड बी ओके विद इट. थैंक यू. थैंक यू मैम. थैंक यू सो मच. या श्योर, आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट आई एम हियर टुडे. बट इट्स माय डैड्स अवार्ड, बट माय डैड इज शूटिंग सो ही कुडंट बी हियर. But it feels really good because I'm meeting all these people who have come from different parts of the world, and really, really thanks a lot to IIFDC for giving this wonderful opportunity to be here. Thanks a lot. Thank you so much. Yeah, yeah. Yes, I've done a film called Mehbooba, and my second film has started. Its name is Romantic. So everything's going on good. The shoot just started, so we'll definitely update on that film very soon. हिंदी बात कर तो बात कर सकते हो, बट नॉट दैट ग्रेट. टुडेज अवार्ड रियली इट्स एन ऑनर. वी गॉट एन अवार्ड फॉर आवर मूवी द विलन फ्रॉम IIFDC एंड इट्स अ प्लेजर. आई एम योर ऑन बिहाफ ऑफ माई ब्रदर एंड माई बैनर तन्वी फिल्म्स. It was really great, you know. First time I was being here for in the event, I felt really good, you know, all the foreign delegates being there and they've been showed presentation of their location. It plays really important part as an actor. I'm an actor, and you know, for the movie as considered, you know, locations is much required, you know, the background. So it really helps for the movie makers and the directors, as well as the production houses, and being a part here, and really thank this IIFDC who made this event a grand success, and I'm the part of this event today. Thank you. Thank you. Abhi last sir. Thank you. Sir,